बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड हियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जिसमें कोई भी केमिकल चेंज जो है वो करना हो रहा हो, उसमें हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर, ऑडोर, डेंसिटी, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ऐसा क्यों है, मतलब अल्काइल हैलाइड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है? तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन्स, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास हैलोजन्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन अल्काइल चेन के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, तो अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स बन गए हैं और हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, सो दे हैव डायपोल डायपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें तो अगर हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन करके लिखें तो अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो कार्बन है जो कि हैलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये फोर सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इस में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हैलोजन के साथ अटैच है। ठीक है, और दूसरा जो है इन्फॉर्मेशन कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन देन कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स? ये आपको आइडिया देती है कि जो आगे फर्दर अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन शो करेंगे ना, तो वो किस बेसिस पर शो करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें जो सेकंड पॉइंट है कि ये इनका बॉन्ड पोलर है, सी एक्स बॉन्ड पोलर है, तो ये आइडिया मिल रहा है कि अब जब रिएक्शंस होंगे ना तो सी एक्स बॉन्ड ब्रेक करेगा और हैलोजन्स लीव करेंगे और उनकी जगह कोई और जो है वो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो सकता है। तो जो स्ट्रक्चर है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की, उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फर्दर ये फंक्शनल ग्रुप किस किस्म के रिएक्शंस जो है वो कैरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से स्कीम्स भी लिखनी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन कैसे करें ना, प्रैक्टिस कैसे करें। तो इसमें मैं जो आपको मेथड बताऊंगी कि किस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की हम स्कीम बना रहे हैं और कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, तो वही मेथड आपने तमाम फंक्शनल ग्रुप्स के प्रिपरेशंस और रिएक्शंस पर अप्लाई करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम यहाँ पर कितने मेथड्स हैं टोटल? हमारे पास टू मेथड्स हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के, फ्रॉम अल्कोहल्स एंड फ्रॉम अल्केन्स। फ्रॉम अल्कोहल द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, और क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अल्केन्स में क्या होता है, अल्केन्स से अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने का मेथड आप ऑलरेडी 16 चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसका हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी पढ़ा था। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और उसमें आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का आपने ये रिएक्शन पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशंस। ठीक है, उसमें होता क्या था कि आपके पास जब एक हैलोजन जो है वो रिप्लेस होता है एल्केन्स में, तो उसके बाद सेकंड स्टेप हो जाता है, दो हैलोजन रिप्लेस हो जाएंगे, तीन, इसी तरीके से आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसके साथ बहुत सी बाय प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। दैट्स वाई आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट करना डिफिकल्ट होता है, और इस वजह से अल्केन से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना इज नॉट अ बेस्ट मेथड। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं स्कीम के, फ्रॉम अल्कोहल्स हम कितने मेथड से, कितने वेज हैं उनसे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, अब आपके पास अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि
OH ग्रुप को रिमूव करेंगे और उसकी जगह आपने हैलोजिन अटैच करना है। अब हैलोजिन ग्रुप जहां से आ रहा है उसको हम कहेंगे हैलोजिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। अब आप कितने हैलोजिनेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी बुक में कितने हैलोजिनेटिंग एजेंट्स यूज करके जो है वो अल्काइल हैलाइड बनाया जा रहा है उसको हम स्कीम में लिख लेते हैं। देखें फ्रॉम HCl, HCl से हैलोजिन आ रहा है और इसको आप यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और इस टेस्ट का नाम है ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट 3-4 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके पास टेस्ट आता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, तो आप इसको बताएंगे दीज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। सेकेंड हैलोजिनेटिंग एजेंट है हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 और इट विल बी यूज इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन एज सॉल्वेंट, ठीक है। थर्ड हैलोजिनेटिंग एजेंट है फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। अब फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड में आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं या फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और अगेन इसमें आप ट्राईक्लोराइड और ट्राईब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर हैलोजिनेटिंग एजेंट्स हैं जिनको यूज करते हुए आप हाइड्रोक्स अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल रिमूव कर देंगे और अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर देंगे। एंड फ्रॉम अल्केन्स, तो अल्केन्स में आपने सिंपल क्या करना है, क्लोरीनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स आपको हर फंक्शनल ग्रुप की इस तरीके से जो है वो एक स्कीम बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और इस स्कीम की भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए आप हर एक जो है वो आपने जो पॉइंट लिखा है उसके लिए आपको एक रिएक्शन लिखना आना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ओके। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर अल्कोहल से जब प्रिपेयर करने लगे हैं अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हैलोजिनेटिंग एजेंट है HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आपने करना है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्कोहल ले रहे हो, आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं या आप टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स। और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइम में ये आपको रिजल्ट्स देगा, ठीक है, एनहाइड्रस क्लोराइड। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें आपको अगर तीन बीकर्स दिए गए हैं और उसमें एक में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरे में टर्शियरी अल्कोहल जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखने से आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन तमाम तीनों बीकर्स में HCl डालेंगे स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, और फिर थोड़ा सा जो है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ऐड करेंगे। होगा क्या, अब जो चेंजेस आप नोट डाउन करेंगे वो चेंजेस क्या होंगी कि जैसे ही आपने HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला तो जो इमीडिएटली, ठीक है, एकदम से इमीडिएटली आपके पास एक ऑयली लेयर बन गई। ऑयली लेयर अब वो किस चीज़ की होगी, अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। ये देखें, ये अल्काइल और इसके साथ हमारे पास ये जो है वो हैलाइड अटैच हो जाएगा, ठीक है, अल्काइल हैलाइड अटैच हो गया और साथ ही हमारे पास जो है वो वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर होगा, वाटर और ये जो ऑयली लेयर है, ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर एक ही बीकर में वाटर भी है और ऑयली लेयर भी है तो ऑयली लेयर जो है वो सेपरेट हमें नज़र आ रही होगी, ठीक है, विद द नेकेड आई हम उसको देख सकते हैं। तो जब इमीडिएटली ऑयली लेयर बन जाएगी तो इसका मतलब है कि उस बीकर में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन फिर बाकी दो बीकर्स में क्या होगा, अब आप स्टिर करेंगे, दोनों को स्टिर करेंगे और आफ्टर 5-10 मिनट्स, ठीक है, और जिसमें ऑयली लेयर जो है अपीयर हो जाएगी वो आप क्या कह देंगे कि ये इसमें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर भी हमारे पास साथ वाटर रिमूव होगा, ठीक है। और जब आप काफ़ी टाइम स्टिर कर चुके हैं और फिर भी ऑयली लेयर अपीयर नहीं हो रही, देन आप हीटिंग करेंगे, ठीक है। तो ऑन हीटिंग
लास्ट बीकर में ऑन हीटिंग हमारे पास ऑयली लेयर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो रही है अलोंग विद हमारे पास यहाँ पर वाटर रिमूव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास वो बीकर जो है उसमें प्राइमरी अल्कोहल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आपने सिंपल इसी तरीके से तीन इक्वेशंस लिखनी है, लुकास टेस्ट की कंडीशंस जो आपने मस्ट लिखनी है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। और ये आपने बताना है कि इमीडिएटली टर्शियल कोहल्स इमीडिएटली रिएक्शन देंगे, स्कैंडियल कोहल 5 to 10 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर बनाएंगे, और प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो ऑन हीटिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है ये बनेगी, ठीक है। एंड लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे, यहाँ से इस ल्यूकास टेस्ट में से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 3 मार्क्स का मस्ट आ जाता है पेपर में, कि व्हाई टर्शरी अल्कोहल्स गिव फास्टेस्ट रिएक्शन एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। नाउ हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे थायनाइल क्लोराइड के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक सिंपल सा जो है वो ले लिया है अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल ले लिया है, और इसको हम थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाने लगे हैं, और ये काम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट पीरीडीन, ठीक है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास दो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर तो एक क्लोरीन तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आपके पास इथाइल क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ पर आपके पास बॉन्ड बना लेंगे HCl, और बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या चीज़ें बच गई हैं, एक ऑक्सीजन बच गया है और जो है SO बच गया, तो ये दोनों मिलकर आपके पास SO2 बना देंगे, ठीक है। थायनाइल क्लोराइड में हमारे पास जो गैस रिलीज हो रही होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सिंपल सा था, मतलब अगर हमें पता हो कि हम अल्कोहल को थायनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ पीरीडीन, तो हमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सामने सामने नज़र आ रहा है कि अल्काइल के साथ एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा और एक HCl बना लेगा, और बाकी हमारे पास SO2 रह जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल राइट इक्वेशन फॉर फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड की जगह फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक अल्काइल की जो चेन है, सिंपल ये अल्काइल की चेन, ठीक है, उसके साथ एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड प्लस एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये इस तरीके से ये हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अटैच हो गया, एंड लास्ट में हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास फॉस्फोरस एक रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया और 3 क्लोरीन्स रह गए, ठीक है, POCl3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन रहा है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है। और अब इसी के साथ अगर हम जो है वो ट्राईहैलाइड की इक्वेशन भी लिखें, ठीक है, तो हम यहीं पे लिखते हैं ताकि हम इसके साथ इसका कंपैरिजन कर सकें। तो ट्राईहैलाइड वाले में थोड़ा सा हमारे पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनेगी। ये हमने सेम वही एथेनॉल ले लिया है, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम सेम उसी तरीके का रिएक्शन करें, तो स्टूडेंट्स अगर हम सेम ऊपर वाली इक्वेशन को फॉलो करें, ठीक है, तो हमारे पास एट दी एंड क्या बच जाएगा, एक यानी एक क्लोरीन जो है वो अल्काइल चेन के साथ लग जाएगा और एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और एक Cl। तो बेसिकली ये कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, और प्रैक्टिकली जब हम ये काम करेंगे तो ये मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड या ट्राई क्लोराइड कैसे हमारे पास रिएक्शन करेगा, कि हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। अब इसके नहीं लेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, बल्कि 3 क्लोरीन्स हैं तो हम 3 अल्काइल चेन्स ले लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर 3 अल्काइल चेन्स ले लेते हैं, यानी अल्कोहल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 अल्काइल चेन्स हैं और 3 हेलोजिन्स हैं, ठीक है, तो ये ईजीली हम जो है वो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के 3 मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसके
थ्री मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों के तीनों अल्काइल चेन्स और तीनों क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो यूज़ हो चुके हैं यहाँ पर। तो हमारे पास रह क्या गया, एक फॉस्फोरस रह गया, ठीक है, और तीन ऑक्सीजन और तीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा H3PO3, ठीक है। तो इसका नाम है हमारे पास फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। H3PO4 का नाम फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, तो जब एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो वो फॉस्फोरस एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का कंपैरिजन करके देख लिया कि फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं और फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड में या ट्राईक्लोराइड में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। वैसे ये रटा नहीं है, आप यहाँ से भी हिंट रख सकते हैं कि जब हमारे पास ट्राईहैलाइड की बात होगी तो हमने अल्कोहल के भी तीन मॉलिक्यूल्स ही लेने हैं, ठीक है, और बाकी पेंटाहैलाइड में तो आपने सिंपली जो है वो प्रोडक्ट्स बना देनी है। तो फ्रॉम अल्कोहल्स के लिए हमने तमाम इक्वेशंस लिख ली हैं। कितनी इक्वेशंस हमने लिखी हैं? ल्यूकास टेस्ट के लिए तीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए और तीन बाकी, टोटल हमने सिक्स इक्वेशंस लिख ली हैं। लास्ट वन हम अल्केन से प्रिपेयर कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इथेन ले लिया है, ठीक है, और इसकी हम क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी रेडिएशन। तो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद हेलोजन्स, ठीक है, CH2, और यहाँ पर हमारे पास Cl आ जाएगा प्लस यहाँ पर हमारे पास HCl, ठीक है। और फिर फर्दर जो होता है कि इथाइल क्लोराइड की फर्दर क्लोरीनेशन हो जाती है, ठीक है, एक और हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनते रहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह की स्कीम की जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद आपने हर एक के लिए एक रिएक्शन लिखना होता है, तो आपने इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखें ये 1, 2, 3, 4 ये हमने हैलोजिनेटिंग एजेंट्स के साथ इक्वेशन लिखी, एंड फिफ्थ वन जो है वो हमने अल्केन्स के साथ इक्वेशन लिखी है विद बैलेंस्ड इक्वेशन विद जो भी इनकी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने रफ कॉपी पे, रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है बार बार। जब आपको डायरेक्ट इक्वेशंस बहुत अच्छे से आ जाएंगी तो आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिएक्टिविटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।